Here we start exercise 3.3. Where is the pen? Yeah. See, what to do first? Only tell me the very first part of the first question, first subpart of the first question. What we have to do? Transpose of each of the following matrix. Tell me the order of, suppose it is P, then what is the order of P dash? Tell me. Order of P dash. 1 by 3. 3 by 1. Its order is 3 by 1. Transpose order will be 1 by 3. तो मुझे लगता है कि first question अब किसी भी बच्चे से नहीं बचेगा, सब बना लेगा. Clear है? आगे बढ़े. Yes sir. Yes. Question number 2. यहाँ क्या करना है हमें? Transpose करना है. After the sum of A and B, transpose of sum of A B. और यहाँ क्या कर रहे हैं? Sum of transpose of A and B. Sum of transpose of A and B. और ये आप वेरीफाई कर लोगे आसानी से. पहला चीज ये ध्यान में रखो कि A and B are square matrix, तभी ये वेरीफाई होगा. क्लियर है? अब देखो आप यहाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है? A dash और B दिया हुआ है with different order. तो A dash B cannot be added, remember it. But if you transpose either A or B, यानी one of the two, then only addition can be possible. तो मुझे बताओ कि क्या A plus B हो सकता है? संभव है A plus B? बोलो. No sir. क्यों नहीं होगा? Order A तो हो जाएगा ना, order A का transpose, तो A क्या होगा? Transpose of A transpose. Sir, A तो already transpose क्या हुआ है? हाँ, तो A का value क्या होगा? जो transpose है, उसका transpose कर देना होगा. यानी transpose of A is equal to A. A. तो इसलिए ये संभव है, ये possible है और आप इसे बना सकते हो. छोटा है number, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. अगर किसी बच्चे को question है कि सर ये बना के दीजिए, तो मैं ready हूँ, बना सकता हूँ. और अगर बच्चा बोलता है कि सर आगे मूव करें, तो हम आगे जाएंगे. बोलिए क्या करें? मूव अहेड. आगे मूव पर बन जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये आपका होमवर्क होता जा रहा है 3.3 में कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आपका. देखिए ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है. तब तो कोई टेंशन ही नहीं है. आप ए को भी बी से ऐड कर सकते हो, ए के ट्रांसपोज को भी बी के ट्रांसपोज से ऐड कर सकते हो, दोनों के ट्रांसपोज को ऐड कर सकते हो, है ना. तो ये सारे काम आप कर सकते हो. तो मुझे ऐसा करो, इसके आंसर्स जल्द से जल्द बताओ. मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताओ. किस तरह से आप ए लोगे और किस तरह से आप बी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करोगे. बोलो. या छोटे में मैं बना ही देता हूँ. चलिए पहले क्या करते हैं, हम ए लेते हैं. तो ए क्या होगा? -2, 3. सर आपका वॉइस ऑटोमेटिक. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर यू आर नॉट ऑडिबल. सर आपका माइक म्यूट है. वेट अ मिनट, आई एम चेकिंग इट. आ रही है मेरी आवाज अब? Yes sir. हाँ, सी यहाँ देखिए. तो हमने क्या किया? -2, 3, 1, 2. ये रिजल्ट हो गया हमारा ए का, यानी हमने ए निकाल लिया है. और इसमें हमें प्लस क्या करना है? 2b को, यानी b के साथ एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करते हैं हम, बी के साथ अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट जो चेंज होगा वो लिख देते हैं. -2, 0, 2, 4. और इस पूरे का हमें करना है ट्रांसपोज, यानी आफ्टर सम. तो सम करते हैं, -2, -2 क्या होगा? -4.
वन एंड जीरो वन, थ्री टू फाइव एंड फोर टू सिक्स. अब बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होने वाला है? माइनस फोर फाइव वन सिक्स. माइनस फोर फाइव वन सिक्स. क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर. चलिए तो ये तो आपका आसान हो गया. इसी तरह से आप मल्टीप्लीकेशन को मैं चाहूंगा कि आप इसको वेरीफाई एक बार कर लो. आप देखो ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा, बताइए. वन बाई वन. थ्री बाई थ्री. थ्री बाई थ्री सर. यस सर. थ्री बाई थ्री. थ्री बाई थ्री. और जानते हो इस तरह की क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मल्टीप्लीकेशन छोटा है, पर ये ऑर्डर की वजह से ये ध्यान रखना है. तो जल्दी आप लोग क्या करो, कुछ बच्चे जो है ना पहला ए बी बनाओ, दूसरे बच्चे दूसरा ए बी बनाए. ऐसा करो पहला मत बनाओ, दूसरा बनाओ. दूसरे में एक जीरो भी है, ठीक है. मैं क्या करता हूँ, एक जीरो बी वाले में क्या करो, एक जगह जीरो लेके सॉल्व कर लो. यहाँ फाइव है ना, इसको जीरो मान लो और इसको जीरो लेकर के आप सॉल्व कर लो. मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है. इसको जो है आप जीरो मान लो फाइव को. बोलिए क्या होगा? पहला रो जीरो होगा. पहला रो जीरो. क्या बात है. वन जीरो सेवन. आंसर और टू जीरो फोर्टीन. टू जीरो फोर्टीन. पहला रो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा. उसके बाद तो ये आप ऊपर वेरीफाई करना है ना, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है और एक बार ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करना है. तो ये वेरीफाई मुझे लगता है हो जाना चाहिए. हो जाएगा बच्चों, आप लोग इसको क्लास वर्क मानना और ये बना के रखना. मैं यहाँ से ये जो है ना डार्क कलर फाइव जो है इसको हटा देता हूँ, तो आप ये बना लेंगे. चलिए ये बनेगा आपसे सिक्स नंबर. इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए हो जाएगा. और आइडेंटिटी लाना है. आइडेंटिटी लाने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल में जीरो बाकी में वन. क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि सो दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. मतलब कुछ करना ही नहीं है. देख लो पहला चीज कि डायगोनल के एलिमेंट जो है ना वो इक्वल होने चाहिए. तो हमारे डायगोनल के एलिमेंट जो है ना वो एक कॉन्स्टेंट नंबर ये चेंज नहीं करने वाला. अब जो चेंज करेगा वो क्या है, रो वन टू रो टू वन में बदल जाएगा और वो नंबर सेम है. यहाँ देखो ए वन टू जो है ना वो बदल जाएगा ए टू वन में. और आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, इक्वल है. फिर ए वन थ्री ये बदलने वाला है किस में, ए थ्री वन में. तो ये भी सेम है. ये जो है ए थ्री टू ये बदलने वाला है ए टू थ्री में. तो क्या ये भी सेम है बच्चों? तो हम कह सकते हैं ना कि ये सिमेट्रिक है. बोलिए. यस सर. और स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा याद रखना डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे. और बाकी जो भी यहाँ पे हमने जो इक्वल किया है ना वो यहाँ पे नेगेटिव होगा. अगर हम ए वन टू के बारे में बात करें कि ए वन टू जो है अगर वो यहाँ माइनस वन वन है तो ए टू वन क्या होना चाहिए, ए टू वन होना चाहिए माइनस वन. प्लस वन अगर यहाँ है तो ये होना चाहिए माइनस वन. ये अगर वन है तो यहाँ होना चाहिए माइनस वन. ये अगर माइनस वन है तो ये होना चाहिए वन. यानी कि नेगेटिव होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझ गया ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक. और अब एक बहुत छोटा सा है दिया हुआ, ए प्लस ए डैस निकाल के चेक करो, ए माइनस ए डैस निकाल के चेक करो, जो आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर नाइन वही P और Q के फॉर्म पे है जो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है. कि सम ऑफ द मैट्रिसेस इज इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमने क्या पाया कि ये P है और ये Q है. और ये प्रैक्टिस ही हमने किया था कि दिस इज इक्वल टू है P एंड दिस इज इक्वल टू है Q एंड A इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q. क्लियर है? टेन नंबर. यस सर. यही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है आप आराम से बना सकते हो. और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो हमारा मजेदार पार्ट होगा. मतलब उसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है.
जो हमारा बहुत लेंदी और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या है। तो मैं चाहूंगा बच्चों एक बार हल्का सा रिकैप ले लेते हैं जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। वेट करो बेटा। सी तो यहां पे हमने आज जो जो पढ़ा है उसको एक रिकैप ले लेते हैं। देखिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव नोन व्हाट वी हैव बीन फैमिलियर विद कि व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। एक हमने क्वेश्चन भी किया था 12 नंबर जिसमें हमने देखा था ऑर्डर के बारे में कि सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ 3.2 एक्सरसाइज, यहां से हमने स्टार्ट किया था। इज इट वाओ, दिखता है अच्छा। जब हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो लगता है कि यस आज हमने आज का क्लास बिल्कुल जस्टिफाइड था। सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22, हमने देखा था कि इफ गिवन इज एन इज इक्वल टू पी, और हमने क्वेश्चन में यहां दिखाया था कि एक्स का है 2 बाई एन एंड जेड का जो ऑर्डर है वो है 2 बाई पी, और हमने इन दोनों को कंपेयर किया। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया यानी इसके ऑर्डर्स को हमने इक्वल किए क्योंकि हमें ऐड करना था, तो हमें रिजल्ट मिला या तो 2 बाई एन और या तो 2 बाई पी, हमने यहाँ और इसीलिए लिखा है। और फिर हमने देखा कि इन दोनों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन यहाँ था तो हमने इसको टिक किया। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मीन्स इफ यू चेंज द रो टू कॉलम और द एलिमेंट्स अदर देन डायगनल एलिमेंट्स, जो हम चेंज कर रहे हैं उसका हमने आपको फॉर्मूला दिया और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर चेंज हुए उसके बारे में हमने बात किया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के हमारे चार प्रॉपर्टीज थे जिसके बारे में हमने बात किया कि इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। दूसरा हमने दिया कि अगर ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट करना हो या प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करना हो रिजल्ट विल नॉट चेंज। फिर हमने यहाँ सम के साथ भी यही देखा कि सम करके ट्रांसपोज करना हो या ट्रांसपोज करके सम करेंगे रिजल्ट विल नॉट चेंज, और सिमिलरली प्रोडक्ट में भी हमने यही काम किया। तो ये चारों रिजल्ट हमने देखा, इन चारों के एग्जाम्पल्स हमने किए। इन चारों के एग्जाम्पल्स के बाद वेरीफाई करने के बाद इन चारों के एग्जाम्पल हमने क्या किया, दो नए वर्ड सीखे। वो दोनों वर्ड था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमने देखा कि इफ यू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स द रिजल्ट विल नॉट चेंज, सेम रहेगा, लेकिन इसमें नीड नॉट कि डायगनल वही रहे। डायगनल में जो एलिमेंट रहेगा वो अनचेंज होगा ट्रांसपोजिशन में। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने देखा कि इफ यू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स द रिजल्ट विल बी नेगेटिव टू द गिवन मैट्रिक्स, जिसको हम कह रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। फिर हमने यहाँ देखिए एग्जांपल भी लिया, और ये हमारा एक बहुत अच्छा पार्ट था जिसमें हमने प्रूव किया कि हाउ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमें मजा आया करके, इसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया, एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप्स आपने बताया और मैंने किया तो मजा आया मुझे। चलिए नेक्स्ट, हमने ये थ्योरम को प्रूव किया और हमने दिखाया कि किस तरह से हमने अभी जो ऊपर काम किया है वो हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड, रिकैप ले रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ बताता जाऊँ। फिर हमने एक्सरसाइज में हम आए और पहला एक्सरसाइज बहुत ईजी था क्योंकि रॉ और कॉलम ही करने थे हमें, सो वी हैव डन इट क्विकली, और इतना आसान था इसलिए हम लोगों ने बिना टाइम लिए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज के एडिशन करते चले गए, है ना। सिक्स क्वेश्चन के बाद जब हम सेवन क्वेश्चन में आते हैं, देखिए सिक्स में आपको क्या करना है ना, प्रोडक्ट करना है, और आई का मतलब क्या होता है, दिस इज वन वन एंड जीरो जीरो। डायगनल एलिमेंट क्या होगा, दिस कैन बी सेड प्राइमरी डायगनल, हमेशा याद रखना प्राइमरी डायगनल एलिमेंट होगा वन, एंड वन यू नो दैट इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ भी आइडेंटिटी बन रहा है ए एन ए डैश, कब, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन में, हमने देखा कि ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्ट इज नॉट बींग चेंज, तो सिमेट्रिक, एंड रिजल्ट इज
the negative of the original matrix, then this is skew symmetric. Similarly, हमने जो ऊपर किया था आपके help से question, वो question यहाँ पे फिर करने को मिला. और वही question 10 number में भी जो है आपको चार question मिल रहे थे. तो मुझे लगता है कि ये question आप आराम से बनाएंगे. तो बच्चों, it's really appreciating कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा. और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे क्लास में बच्चे की संख्या और मुझे चाहिए, सारे बच्चे आए, एक भी बच्चे एबसेंट नहीं हो. क्योंकि आपका क्लास, आपका स्कूल आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा है, आप भी उसके लिए मेहनत करो. ठीक है.